हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बनाई है। ओके, यहाँ पर हमने निफ्टी 50 और अमेरिकन मार्केट को यहाँ पर देख के यहाँ पर आपकी वॉलेटिलिटी जो मार्केट में हो रही है उससे रिलेटेड व्यू दिया है, एज वेल एज यहाँ पर टिनप्लेट और डीसीएम श्रीराम दो स्टॉक ऐसे स्टॉक है जहाँ पर वो अपने सपोर्ट पे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहां से अगर ये जंप लिया तो याद रखिए 30 से 40% का रिटर्न आपको विद इन 3 months मिलते हुए नजर आएगा। तो इन शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है, बट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है तो उसके हिसाब से आप देखिएगा। और इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, और उन स्टॉक्स में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, वो उस पर अपनी व्यू दूंगा, तो यहाँ पर उसी के हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अगेन, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमें आप सपोर्ट करिए, जितना हो सके हमारे चैनल को प्यार दीजिए। ये नंबर पे आप है, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, एज वेल एज यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर भी करिए वीडियो को। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की। कुछ स्टॉक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे नारपोली की। नारपोली में आपको जब चार्ट पे चलूंगा तो एक चीज दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक आज के डेट में 4% भागता हुआ दिखाई दिया, और पिछले 3 दिन से लगातार भाग रहा है। इसने बॉटम बनाया, वहां से पता था कि यहाँ से भागेगा, क्यों, क्योंकि चीजें सपोर्ट पे या तो भाग जाती है या गिर जाती है। यहाँ पर इसके रिजल्ट है 20 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके चेक कर लीजिए फिर भी। तो यहाँ पर 20 तारीख को इसके रिजल्ट है, तो रिजल्ट तक कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा, बट इसके चार्ट में देखिए मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, वो सारी चीजें इस चार्ट में दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये शेयर था, एक लंबी अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखी गई इस शेयर में, ओके इसके बाद चीजें भागती हुई दिखाई दी, लगातार एक जंप थी, बट मार्केट में गिरावट हुई, इसमें भी गिरावट हुई, ओके और यहाँ पर गिरावट होके देखिए अपने सपोर्ट के आसपास ही आके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी। और ये शेयर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने एक अपने सही है सपोर्ट के आसपास ही है, ओके थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे चलता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसने यहाँ पर एक कैंडल बनाई जिसे हम इन्वर्टेड हैमर बना बोलते हैं, ओके इन्वर्टेड हैमर जब भी यहाँ पर सपोर्ट पर बनता है रैली होती है, ओके गिरावट के बाद तो यहाँ पर एक रैली होती हुई दिखाई दी, ओके हो रही है जो कि धीरे धीरे दिख भी रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी, इसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप, जब भी स्पिनिंग टॉप के ऊपर जाती है तो फिर अखेन भागता हुआ दिखाई देता है। तो दो दो तीन तीन संकेत हमें मिल रहे हैं कि ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है, बट अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्यों, क्योंकि 20 तारीख को है इसके रिजल्ट। और तीसरी कैंडल बन रही है, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, ओके इस कैंडल को यहाँ पर कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, जो इस तरह की कैंडल बनती है, और ये भी कैंडल एक बुलिश कैंडल है, और जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ पर एक रैली होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर अभी आपको कॉशियस रहना है, और यहाँ पर ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, ओके ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और मेन रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ है, बट यहाँ पर एक एडवांस फिगो एक टेक्निक होती है फिबोनाची, तो अगर इसी टेक्निक के हिसाब से देखते हैं तो ये शेयर अभी चल रहा है 377 रुपये के आसपास, यहाँ से सीधे यहाँ पर 900 रुपये तक यहाँ पर शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके बाद शायद एक लगातार रैली होती हुई इसमें दिखाई दे सकती है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट इस शेयर की तरफ आपको क्या रखना है नजर। अब बात करते हैं और भी स्टॉक्स की, हम बात करेंगे SBI कार्ड्स की। SBI कार्ड्स से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर देखिए वीडियो बनाया था मैंने आपको, बताया था 711, तो यहाँ पर देखिए ये शेयर अभी कितने यहाँ पर कितने पे आया आज के दिन में 710 711, यहाँ पर लो था 711, देखिए यहाँ पर ये लो चेंज हो रहा है, मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया था एग्जैक्ट कि यहाँ पर आएगा 711 711 पे आया। अब क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है, एक तो ये डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा है, ओके एक बॉटम है, जब इस तरीके का कैंडल बनती है तो चीजें गिरती हुई दिखाई देती है, ओके मोस्टली चीजें यहाँ पर गिर जाती है, ओके और यहाँ पर अच्छे खासे इंट्राडे में और यहाँ पर स्विंग करके सेल करके शॉर्ट करके लोग पैसा कमाते हैं, बट यहाँ पर एक रैली एक गिरावट हो चुकी है, और ये जो गिरावट थी ये बेफालतू की गिरावट थी, विदाउट रीजन गिरावट थी, और उस गिरावट जो यहाँ पर सपोर्ट था उसे भी यहाँ पर क्रॉस करके नीचे आ गई थी चीजें, सपोर्ट अगेन सपोर्ट यहीं पर ही है 711 के आसपास, इसके नीचे आती है तो बेकार है, बट यहाँ पर एक कैंडल बन रही है जो यहाँ पर एक सपोर्ट पे जब भी एक कैंडल बनती है रेजिस्टेंस पे कैंडल बनती है तो उसमें का एक महत्व होता है, और जब भी यहाँ पर एक सपोर्ट पे एक कैंडल बन रही है कौन सी बन रही है, ये बन रहा है हैमर, और जब भी सपोर्ट पे हैमर बनता है तो हमेशा क्या होती है रैली होती है, मैंने आपको हमेशा बताया है बार बार बताया, देखिए यहाँ पर सपोर्ट था यहाँ पर एक हैमर बना रैली हुई, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है एक, और यहाँ पर इसे सबसे पहले इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस करना है
और इसके बाद इसे यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही है ना, इसे भी क्रॉस करना है, और मेन अच्छी रैली के लिए इसे यहाँ पर क्रॉस करना है, जो कि इस बार शायद ये कर लेगा। और ये क्रॉस हुई तो अच्छी खासी यहाँ पर रैली होती हुई दिखाई देगी। तो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे टेक्निकल में सिखा दी है। SBI कार्ड्स यहाँ से गिरावट नहीं, मुझे यहाँ पर से जंप दिखाई देती है और अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। कोई अगर अभी यहाँ पर खरीद लेता है शॉर्ट टर्म के लिए और स्टॉप लॉस 711 का लगा के काम करता है तो अच्छा पैसा बनेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकआउट नहीं हो रहे, बट यहां पर आपको चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे, जैसे कि यहां पर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं, ओके, यहां पर टाटा मोटर्स के रिजल्ट मैंने देखे, ओके, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे हैं, बट ईयरली बेसिस पे यहां पर मार्जिन में इफेक्ट है, ओके, इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पर धीरे धीरे कंपनी अच्छा कर रही है। याद रखिए, धीरे धीरे कंपनी अच्छा कर रही है, तो अभी खरीदने का नहीं। अभी यहाँ पर जो चीजें है ना, नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। चीजें कैसे नीचे आ रही है, ऊपर भाग रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। यहाँ पर हायर लोज, हायर लोज और लोअर लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, हायर हाईज और लोअर लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, इस तरीके की चीजें बनती हुई नजर आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में चीजें थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर जाके आपको दोबारा फंसाया जाएगा, फंसा के फिर नीचे आएगा, और ये शेयर धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता है 354 का, और यहाँ पर नजर आता है, थोड़े से टाइम अगर हम देते हैं 6 महीने 1 साल का, तो लगभग लगभग चीजें अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो यहाँ तक चीजें आ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टाटा मोटर्स की तरफ। इसके अलावा हम बात करेंगे हैवल्स की तरफ, क्यों, क्योंकि इन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए, और अच्छे खासे रिटर्न देने का जो चीजें गिरती है ना, तो इसी तरीके से गिरती हुई नजर आती है। अगेन यहाँ पर भी ऊपर गई, यहाँ पर रिजल्ट शायद अभी तक नहीं आया है, ओके, रिजल्ट आ जाएंगे तो एक बार देखिएगा रिजल्ट, मार्जिन चेक करिएगा, कंपनी के मार्जिन पे इफेक्ट नहीं है, अगर होगा तो याद रखिए, तो इन चीजें नीचे आएगी। तो रेजिस्टेंस 1343 का है, इसे क्रॉस करेगा तब ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर अगर इसे इस लेवल को यहाँ पर गिरा देता है, ओके, इस सपोर्ट को यहाँ पर गिरा देता है 1188 के आसपास नीचे आ जाता है, तो चीजें यहाँ पर सीधे आएगी 1025 और इसके आसपास आ सकती है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, ये हैवल्स में मेरी राय है। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते, चीजें ऊपर जाती है, बेच के निकल सकते हैं, नीचे आएगा तो यहाँ पर खरीद के एवरेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, कंपनी अच्छी है। इसके अलावा बात करेंगे अबाउट इंडिया की। अबाउट इंडिया अच्छा खासा स्टॉक है, ओके, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन नजर आता है, बट एक रैली लगभग 58% के रिटर्न कुछ महीनों में यहाँ पर देते हुए नजर आया था। जब भी इस तरीके के रिटर्न मिलते हैं तो यहाँ पर चीटें गिरती हुई नजर आती है। अगेन यहाँ पर हायर लोस, ओके, और लोअर लोस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजें देखिए, यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर, तो ये ऑपरेटर की चाल होती है, लगातार कोई चीज ऊपर नहीं जाती, ओके, जब लगातार कोई भी चीज नीचे नहीं आती, यहाँ पर ऊपर नीचे ज़िगज़ैग मोशन में लाके चीजें गिराई जाती है। इस चीज को थोड़ा सा हमेशा याद रखिए, जब भी चीजें ऊपर हो रही है तो ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, और अगर लगातार तेजी है तो उसमें बने रहिए, लगातार गिरावट है तो ऊपर के लेवल पे निकलने की कोशिश करिए, और फिर कोशिश करिए चीजें नीचे आए, अच्छी है तो यहाँ पर खरीदे। यहाँ पर अबाउट इंडिया काफी बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पर ये सपोर्ट दिखाई देता है मुझे, ओके, ऊपर के लेवल पे शायद ही यहाँ तक लाके, ओके, इस लेवल पे लाके आपको फंसाने की कोशिश करे, फिर नीचे ले जाए, और यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है 1500 के आसपास, और अगर ये भी गिर जाता है तो यहाँ पर 1400 का सपोर्ट नजर आता है। तो ये दो सपोर्ट की तरफ आप को क्या रखना है, ध्यान रखना है, और यहाँ पर जब तक ये वाला लेवल ना निकाल दे, ओके, जो ये दिखाई देता है, इसके बाद ये लेवल ना निकाल दे, जो ये लाइन बनी पड़ी है, और ये वाला लेवल ना निकाल दे, तब तक आपको अच्छी तेजी नहीं करनी है इस शेयर में, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं पिडिलाइट की, ओके, पिडिलाइट इंडस्ट्री, कंपनी के रिजल्ट अभी तक नहीं आए, रिजल्ट सॉरी, ओके, कंपनी के रिजल्ट अभी तक नहीं आया, बट इसके जो सपोर्ट थे वो यहाँ पर सारे सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आया है। देखें यहाँ पर जो ये डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी, यहाँ पर आपको हैमर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हैमर बना नहीं है, यहाँ पर एक सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, इसने एक सपोर्ट से ऊपर गया है, बट मुझे ये सपोर्ट में दम नहीं लग रहा है, अभी रिजल्ट भी पेंडिंग है, रिजल्ट देख लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आएगा, और चीजें अगर गिरती है तो यहाँ तक चीजें गिरती हुई नजर आ सकती है 1700 के आसपास। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, बट अभी थोड़ा सा रिजल्ट एंड ऑल देखने के बाद ही माइंड को बनाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे चल रहा है ये स्टॉक, ऐसे में खरीदना आपके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है।
हाँ बट रिजल्ट अच्छे अगर अच्छे आए तो ये ही यहाँ से रिवर्स हो लेगा और अच्छे खासे रिटर्न बनेंगे। एस्ट्रल एस्ट्रल पॉली ने भी यहाँ पर देखिए एक डबल बॉटम था यहाँ से तोड़ा, तोड़ के यहाँ पर नीचे आया, सपोर्ट के आसपास ही ये रुका हुआ है, बट मुझे ये सपोर्ट यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नजर आता है कि यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, ओके यहाँ पर ऊपर जाके फिर फंसा सकता है और फंसा के फिर नीचे आके अगेन यहाँ पर 1500 और ये लेवल तक 1400 के लेवल तक आ सकता है। यहाँ पर राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आ सकती है, तो एस्ट्रल पॉली की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये स्टॉक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही शेयरों में यहाँ पर लोग फंसते हुए दिखाई देते हैं। ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, याद रखिएगा अभी इसे अच्छी तेजी के लिए इस लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अगेन वही चीज क्रम होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर यहाँ पर देखिए ऊपर पहुंचा फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ओके अगेन ऊपर जाके फंसा के फिर नीचे आ सकता है। तो इस लेवल को जब तक ना निकाले, ओके फिर इस लेवल को ना निकाले, इस लेवल को ना निकाले तब तक तेजी नहीं करनी। और नीचे के लेवल यहाँ पर इसके खुले हुए हैं, और जब यहाँ पर इन लेवलों पे आए तो याद रखिए बाइंग करनी है जबरदस्त, क्यों उसके बाद चीजें जब भागेगी तो अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। तब तक 2022 भी क्रॉस हो चुका होगा और अच्छे पैसे यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे और भी स्टॉक्स की जिसका नाम है कैनफिन होम। कैनफिन होम की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी इसने अपने सारे के सारे यहाँ पर राउंडिंग टॉप भी बनाया गया, राउंडिंग टॉप बना के यहाँ पर चीजें और नीचे आई, न्यूज भी साथ साथ चल रही थी, ओके। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं जब तक ये इस सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा तब तक ध्यान रखिएगा, अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो चीजें और यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। रिजल्ट इसके आ गए हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ थोड़ा सा रुख अपना बदली है, गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट की जगह थोड़ा प्राइवेट कंपनी में ही रही है, वहां पर पैसा बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक और शेयर की जिसका नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राउंडिंग टॉप सॉरी डबल बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए या कह सकते हैं कि यहाँ पर एम शेप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब भी ऐसी शेप बनती है तो गिरावट होती है। और यहाँ पर अगर इस लेवल को यहाँ पर निकाल देता है, ये जो लेवल बन रहे हैं ये जो सपोर्ट है इसको यहाँ पर गिरा देता है, सीधे यहाँ पर 2600 का लेवल देख सकता है। अगेन एशियन पेंट में अच्छी यहाँ पर तेजी हुई है, इसके कंपेरिजन में दूसरों में नहीं हुई है, तो चीजें यहाँ पर नीचे आ सकती है और बिगड़ सकती है। ये भी लेवल और इस लेवल को भी अगर क्रॉस किया तो अगेन ये 2200 के लेवल तक आ सकता है, तो एशियन पेंट पर थोड़ा सा निगाह बना के रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एक और शेयर की ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस की बात करें एक बेहतरीन सपोर्ट पे चल रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कोई अभी तक इंडिकेशन नहीं दिया है कि इसमें तेजी होगी, ओके यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता है, इस सपोर्ट को अगर इसे तोड़ा तो याद रखिए चीजें नीचे आती हुई दिखाई देगी, जो इसे 2900 के लेवल तक यहाँ पर ला सकती है, 2970 के। तो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, रिजल्ट कुछ खास नहीं है, अगर तेजी के लिए इसे यहाँ पर अच्छे खासे नंबर की जरूरत पड़ेगी, और वरना नीचे के लेवल यहाँ पर खुले हुए हैं। इसने बॉल तेज कर ली है, तेजी कर ली है, तो शायद इस लेवल को क्रॉस करके और भी नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओरेकल फाइनेंस की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अल्ट्रा अलावा हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा टेक सीमेंट की। अल्ट्रा टेक सीमेंट में भी यहाँ पर देखिए इसे यहाँ पर राउंडिंग यहाँ पर देखिए आज नीचे आया, नीचे आके यहाँ पर ऊपर गया, ओके। और बट यहाँ पर आप खुश मत होइएगा, यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम दिखाई दे रहा है, अगर इसे लेवल को यहाँ पर से निकालता है और इस लेवल को भी निकाल देता तो यहाँ पर और ये डबल टॉप बॉटम बना के चीजें निकलती हुई हाथ से नजर आ सकती है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है इसमें भी, और असली तेजी के लिए इसे इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। जब तक इस लेवल को क्रॉस ना करे तब तक तेजी करके मत चलिएगा, और नीचे के लेवल यहाँ पर 5200 के आसपास खुले हुए हैं, उस टाइम यहाँ पर बाइंग करने की आप सोच सकते हैं। इसके अलावा हमने ये सारे के सारे स्टॉक से रिलेटेड बातें करी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, बाइंग जाने की रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे एडवर्स भी चली जाए, कुछ चीजें मेरे फेवर में भी चली जाए, बट हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।